अभी मैं कहूँ ये इंद्र इतने दिनों से बदल सा क्यों गया है। कोई दिक्कत नहीं, तुम बताओ और क्या बताओ, उससे और भी बहुत बातें होती है।
जो मैं तुमसे नहीं कह सकता। अच्छा मानसी तुम्हारी मित्र है? मित्र? हाँ मित्र कह सकते हो। उससे बातें करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अक्सर उससे जब बात करता हूँ ना तो मेरा जी हल्का सा हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ जो चल रहा है ना रोज का रोज वही का वही हमेशा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा क्या कि ये सब कुछ जो चल रहा है, ये सब कुछ जो चल रहा है इसका कोई अर्थ नहीं? एक विराट चक्कर बस घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, और हम भी उसके साथ चक्कर काटे जा रहे हैं। वही सवाल आवर तरह है, एक दो तीन चार, तीन दो एक, क्या 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 कहा? एक दो तीन चार, तीन दो एक। इंद्रजीत और मानसी और इंद्रजीत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
आज वो मिलेंगे, बातें करेंगे। हाँ इंद्रजीत और मानसी बातें करेंगे, आज वो बातें करेंगे और बातें करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। खाता तो तुम्हारे इस नियम वाले समाज के स्वर्ग में सुख से रहता।
अब तो दीवार से सिर फोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं। कभी कभी लगता है कि अगर तुम न होते तो मेरा क्या होता। तुम शायद गुस्सा करोगे ये बात सुनकर, पर मैं बहुत कुछ मानती हूँ क्योंकि तुम हो, वरना शायद मैं भी गुस्सा करती। मैं तुम्हारा नुकसान कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इंद्र, तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम हो इसलिए मुझ में जैसी एक हिम्मत सी रहती है, वरना मैं कब की डूब गई होती। पर मैं गुस्सा नहीं कर सकती, मैं गुस्सा करना ही नहीं चाहती। मुझे जीवन अच्छा लगता है, मैं बहुत कुछ मानती हूँ क्योंकि मानना ही होता है, पर फिर भी गुस्सा नहीं आता। तुम हो इसीलिए रहने दो। मैं ठीक से पूरी बात बता ही नहीं पाऊंगी, ठीक से पूरी कुछ समझा ही नहीं पाऊंगी, कोई दूसरी बात करते। अच्छा, अगर मुझे किताब समझ में आए तो तुम समझा दोगे? पांची, जिस दिन मैं मैनेजर बन जाऊंगा उसके अगले दिन मैं तुमसे शादी करूंगा। ना, तुम देखना, मैं तुम्हारी मौसेरी बहन हूँ। जितनी बार शादी की बात निकली है, हर बार तुमने इस बात की याद दिलाई कि तुम मेरी मौसेरी बहन हो, और हर बार तुम कहते हो कि मैं ऐसे नहीं मानता। हाँ तो क्यों मानूं? मैं नहीं मानता कुछ, नहीं मानूंगा कुछ। मुझे भी नहीं। तो मैं मानता हूँ, पर तुम्हारे नियमों को नहीं। तुम मुझे बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बकवास। अरे मैं बहुत साधारण लड़की हूँ। और मैं असाधारण। क्या मालूम, पर हाँ सच मुझे तुम थोड़े असाधारण तो हो। थैंक यू, सुनकर खुशी हुई। नहीं नहीं, बिल्कुल असाधारण नहीं। फिर तो झगड़ा ही खत्म हो। क्या खत्म हो? अरे एक साधारण लड़का एक साधारण लड़की से शादी कर रहा है, इसमें क्या झगड़ा? कुछ खत्म नहीं हुआ, चलो घर चलो। मैं नहीं जाऊंगा। अब देर नहीं हो रही है तो? तुम्हारी वजह से मुझे हर समय घर पे डांट पड़ती है। घर? अरे कैसा घर, घर जहन्नुम में जाए। लो फिर शुरू हो गए। चलो घर चलो। चलो चलो घर। बड़ा गुस्सा दिखा रहे हो, मानो कि मैं से डर जाऊंगी। नहीं नहीं, घर चलो, जल्दी चलो, वरना घर पे डांट पड़ेगी मेरी वजह से। नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, फिर मैं बैठा। नहीं नहीं चलो। क्या कर रहे हो? देखते नहीं ये पाप है? और वो देखो पेड़ के नीचे बैठा देख रहा है। हाँ तो? हाँ तो देखे ना, खूब अच्छी तरह देखे। चलो। नहीं नहीं नहीं। अरे मानसी मानसी रुको, मानसी मानसी। इंद्रजीत और मानसी बहुत आगे निकल आए, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं ना, सिर्फ घूमे जा रहे। यह सवाल आवर्तन का है। घूम रही, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है सृष्टि निरंतर आवर्तन में बधी पड़ी। बूढ़ी सदी बैठी है, बूढ़ी सदी बैठी है सुनने को कुछ नया कान खोलकर अपने कान। अमल विमल कमल एवं इंद्रजीत एवं मानसी बड़े हो। अमल रिटायर होता है, उसका लड़का अमल नौकरी करता है। विमल बीमार हो जाता है, उसका लड़का विमल नौकरी करता है। कमल मर जाता है, उसका लड़का कमल मर जाता है। इंद्रजीत, इंद्रजीत का बेटा इंद्रजीत वहां उस फुटपाथ पर एक औरत खड़ी है अकेली बेसहारा, नाम लक्ष्मी। न जाने आज ऐसे कितने ही फुटपाथों पर न जाने कितनी ही लक्ष्मी खड़ी है। वहीं पर एक 7-8 साल का लड़का हाथ में काट का बक्सा लिए अपनी गोद में 1-1.5 साल के भाई को लेकर जूता पॉलिश कर रहा है। आज न जाने ऐसे कितने ही फुटपाथों पर न ऐसे कितने ही बच्चे बैठे हैं जूता पॉलिश।